सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। जी हाँ, सक्सेस ये वर्ड ही है जिस पर इस शख्स ने हमेशा विश्वास किया। सक्सेस पाकर जो बदला लिया जाता है उससे बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता। जो लोग इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं वो तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो इन्हें नहीं जानते उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ये कहानी है एमिनेम की। एमिनेम एक अमेरिकन रैपर हैं जो 21st सेंचुरी के बेस्ट म्यूजिक सेलिंग आर्टिस्ट हैं और वर्ल्ड के नंबर वन रैपर हैं, जो एक दो नहीं पूरे 15 ग्रैमी अवार्ड्स जीत चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। एमिनेम का पूरा नाम मार्शल ब्रूस मैथर्स है, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1972 में सेंट जोसेफ मिसौरी यूएसए में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माँ केवल 16 साल की थी, और 72 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वो एमिनेम को जन्म दे पाई। जब एमिनेम 6 महीने के थे तब उनके पिता घर छोड़कर चले गए और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद एमिनेम और उनकी माँ डेबी परमानेंट नौकरी की तलाश में लगातार एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे, जिसके कारण बचपन में एमिनेम का कोई पक्का दोस्त नहीं बन पाया। एमिनेम अक्सर अपनी माँ डेबी से अपने पिता के बारे में पूछते थे और अपने पिता को काफ़ी लेटर्स लिखते थे, लेकिन उनके पिता ने सारे लेटर्स बिना पढ़े वापस सेंडर एड्रेस में लौटा दिए। जब वो फाइनली डेट्रॉइट मिशिगन शहर आकर बस गए, जहाँ मोस्टली ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोग रहते हैं, जब एमिनेम का एडमिशन यहाँ के स्कूल में हुआ तो अपने बीच एक वाइट अमेरिकन को देखकर दूसरे बच्चे एमिनेम को बहुत परेशान करते थे और उन्हें मारा पीटा करते थे। एक बार अपने से बड़ी उम्र के एक बदमाश बच्चे डी एंजेलो बैली ने एमिनेम को इतना मारा कि उनके ब्रेन में सीरियस इंजरी हो गई और वो एक हफ्ते तक कोमा में रहे। वो लोग एमिनेम को इसलिए भी पीटते थे क्योंकि ब्लैक अमेरिकन्स ये मानते थे कि हिप हॉप म्यूज़िक केवल ब्लैक अमेरिकन्स के लिए है, और एमिनेम ने हिप हॉप म्यूज़िक और रैप करना सीख लिया था। एमिनेम का रैप म्यूज़िक में इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब उनके एक अंकल रॉनी ने उन्हें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साउंडट्रैक रैकलेस दिया। इसे सुनने के बाद एमिनेम बहुत ही एक्साइटेड हो गए। बाद में रॉनी एमिनेम के म्यूज़िकल मेंटर भी बने, जिन्होंने एमिनेम को हिप हॉप म्यूज़िक के गुर सिखाए। एमिनेम की लाइफ में रॉनी ही एक पॉजिटिव इंसान थे जिसे एमिनेम अपना आइडल मानते थे। लेकिन 1991 में रॉनी ने आत्महत्या कर ली, जिससे एमिनेम को गहरा सदमा लगा। उन्होंने एक हफ्ते तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, यहाँ तक कि वो रॉनी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। एमिनेम के अपनी माँ डेबी से भी अक्सर झगड़े होते रहते थे, और इसी दौरान उन्हें ड्रग्स की आदत लग गई। जब एमिनेम 15 साल के थे तब हाई स्कूल में उनकी मुलाकात किम्बरली स्कॉट से हुई, जो उस वक्त 13 साल की थी। किम्बरली और उनकी ट्विन सिस्टर घर से भाग गईं और एमिनेम के घर पर रहने लगी। इसी दौरान एमिनेम को किम्बरली से प्यार हुआ और दोनों ने एक बेटी को जन्म दिया। 17 साल की उम्र तक आते आते एमिनेम 9th क्लास में 3 बार फेल हो चुके थे। उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनका इंटरेस्ट केवल इंग्लिश वोकेबुलरी में था। उनकी माँ डेबी ने एमिनेम से कहा कि स्कूल में तो तुम्हारा मन नहीं लगता, कम से कम घर के बिल्स पे करने में मेरी मदद करो। 9th फेल एमिनेम ने खुशी खुशी स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया, और घर के बिल्स पे करने के लिए उन्होंने कई छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन हिप हॉप रैप म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट बना रहा। डेट्रॉइट में अंडरग्राउंड हिप हॉप रैप शोज होते थे जिसमें एमिनेम रैप कंपटीशन करने लगे। रैप म्यूजिक में उन्होंने डेट्रॉइट में अच्छी खासी रेपुटेशन बना ली थी, लेकिन गरीबी ने उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उन्हें कई रैप ग्रुप्स में ज्वाइन होने के इन्विटेशन आने लगे। उन्होंने FBT प्रोडक्शन ज्वाइन किया और अपनी डेब्यू एल्बम इनफाइनाइट रिकॉर्ड कर ली और लॉन्च कर दी, लेकिन ये एल्बम कमर्शियली फ्लॉप साबित हुआ और एमिनेम को फाइनेंशियली बहुत लॉस हुआ। उस समय एमिनेम और किम ऐसे इलाके में रहते थे जहां ज़्यादातर क्राइम्स और चोरी होती थी।
उनके घर में कई बार डकैतियां हुई। अपने परिवार का पेट भरने के लिए एमिनेम ने गिलबर्ट लॉज में कुक का काम किया, यहां तक कि उन्होंने वहां बर्तन साफ करने की नौकरी भी की। अपनी बेटी के जन्म के बाद एमिनेम ने 6 महीनों तक 60 आवर्स पर वीक एक मॉडल एम्प्लॉय के रूप में काम किया, लेकिन क्रिसमस के कुछ 5 दिन पहले उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। क्रिसमस के दिन ही उनकी बेटी हेली का जन्मदिन था और उसके जन्मदिन के लिए उनकी पॉकेट में केवल $40 थे। अपने एल्बम के फेलियर और नौकरी से निकाले जाने के बाद वो टूट गए और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण वो हताश हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था और उनकी जान बच गई। 1997 में लॉस एंजलिस में रैप ओलंपिक्स होने वाला था। ये एक ऐसा एनुअल बैटल रैप कंपटीशन है जिसमें एमिनेम ने पार्टिसिपेट किया और वो फाइनल्स तक पहुंचे और 2nd place पर रहे। रैप ओलंपिक स्टाफ ने एमिनेम के बनाए एल्बम स्लिम शेडी ईपी की कॉपी हिप हॉप रैप म्यूजिक के मशहूर प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे को भेजी। जब डॉक्टर ड्रे ने एमिनेम की सीडी सुनी तो उन्होंने कहा, मेरे म्यूजिक इंडस्ट्री के पूरे कैरियर में मैंने किसी डेमो सीडी में ऐसा कुछ नहीं सुना है। डॉक्टर ड्रे ने कहा, उस लड़के को फौरन ढूंढकर लाओ। हालांकि डॉक्टर ड्रे के एसोसिएट्स ने एक वाइट रैपर को हायर करने के डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन डॉक्टर ड्रे अपने डिसीजन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने एमिनेम को हायर किया और उनके एल्बम द स्लिम शेडी LP को फरवरी 1999 में रिलीज़ कर दिया। ये एल्बम उस साल का मोस्ट पॉपुलर एल्बम बना और इसके बाद एमिनेम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एमिनेम ने अपनी बचपन की मेमोरी पर एक सॉन्ग रैप किया ब्रेन डैमेज, जिसमें उन्होंने डी एंजेलो बैली का जिक्र भी किया कि कैसे डी एंजेलो बैली ने उन्हें कोमा में पहुंचाया। इसके बाद एंजेलो बैली को जगह जगह लोग बुरी नज़र से देखने लगे और लोग उन्हें ताने मारने लगे। इन सबसे परेशान होकर डी एंजेलो बैली ने एमिनेम पर $1 million का मानहानि का केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। इसके बाद डी एंजेलो बैली की हालत देखने लायक थी। तभी कहते हैं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। इसके बाद एमिनेम ने म्यूजिक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। उनके एल्बम मार्शल मैथर्स LP ने 1 हफ्ते में रिकॉर्ड 1,76,000 कॉपीज बेची। उनकी लाइफ पर 8 Mile मूवी भी बनी है जिसमें एमिनेम ने खुद एक्टिंग की है। इस मूवी के थीम सॉन्ग लूज योरसेल्फ ने 2003 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। यही नहीं, लूज योरसेल्फ ने 2 Grammy अवार्ड भी जीते हैं, जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है और आज तक की अवार्ड किसी भी रैपर को नहीं मिला है। दोस्तों, हर सिंगर का ड्रीम होता है कि वो कभी ग्रैमी अवार्ड जीते, जो उसके कैरियर की हाईलाइट होती है। लेकिन मार्शल मैथर्स यानी एमिनेम ने 1-2 नहीं पूरे 15 ग्रैमी अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने ये सक्सेस ऐसे ही नहीं पाई है, इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट छिपा है। वो अपने रैप सॉन्ग्स के लिए दिन में 20 घंटे काम करते हैं और उनके सॉन्ग रैप गॉड में 1,560 वर्ड्स हैं, जो सिर्फ 6 मिनट का सॉन्ग है। इस अमेजिंग सॉन्ग ने गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर किया है। इस सॉन्ग में एवरेज 4.28 वर्ड्स पर सेकेंड बोले गए हैं। यकीन नहीं आता ना, इट्स बिकॉज एमिनेम इज अनबिलीवेबल। एमिनेम सबसे ज़्यादा हिट एल्बम देने वाले सोलो आर्टिस्ट भी हैं और 21st century के मोस्ट सेलिंग एल्बम्स भी एमिनेम के ही हैं। जब एमिनेम के पिता को पता चला कि वो एमिनेम के पिता हैं, तो उन्होंने एमिनेम से मिलने की कोशिश की, लेकिन एमिनेम उनसे नहीं मिले और कहा, I don't know. Some people ask me that. I don't think I do. I can't understand how. If my kids moved to the edge of the earth, I'd find them. No doubt in my mind. No money, no nothing. If I had nothing, I'd find my kids.
So there's no excuse. There's no excuse. इसे ही कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। डी एंजेलो बेली और दूसरे लोगों ने एमिनम के साथ जो किया वो इसलिए किया क्योंकि वो उनके जैसा नहीं दिखता था। ये साफ बताता है कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे एमिनम की लाइफ से ये इंस्पिरेशन मिली है कि लोगों को माफ़ करना सीखिए। जब डी एंजेलो बेली ने एमिनम पर केस किया था तब वो केस बेली पर उल्टा पड़ गया और कोर्ट ने एमिनम को विक्टिम और बेली को क्रिमिनल बताया, लेकिन एमिनम ने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला सक्सेस से लिया। आपके साथ जो भी बुरा या भला हुआ हो उसे पकड़कर सिर मत पीटिए और सक्सेस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इससे बेस्ट रिवेंज कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी सक्सेस और खुशी में ही आपका बुरा चाहने वालों की हार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने के लिए मेरे फेसबुक पेज पर लाइक कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही कंप्लीट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।